गाजे बाजे और डोली की दिख रही ये तस्वीर किसी शादी की नहीं है। समाज भले ही बेटियों के जन्म पर सवाल उठाए, लेकिन हालात अब बदलने लगे हैं और उनके जन्म पर भी जश्न मन रहा है। जो समाज बेटियां जन्ने पर ताना मारता है, उसी समाज से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो बदलते समाज और बेटियों के बढ़ते कद की वानगी है। बेटी के जन्म से जुड़ी ये तस्वीर अपने आप में एक कहानी है बदलती सोच, समाज और मानसिकता की। ये तस्वीर है बेटी के जन्म के बाद जच्चे बच्चे के स्वागत की। बिहार में महिला सशक्तिकरण कितना बुलंद हुआ है, उसे कुछ हद तक साबित करने के लिए ये तस्वीर एक बेहतर नजीर है, जहां बेटी के जन्म के बाद ऐसा जश्न मना कि जिसने देखा वो देखता ही रह गया और इस परिवार की प्रशंसा करने से अपने आप को नहीं रोक पाया। बिहार के सबसे पिछड़े इलाके सीमांचल के कटिहार जिले में एक बेटी के जन्म पर जमकर जश्न मना। बहू ने बेटी को जन्म दिया तो उसे ठीक उसी तरह घर लाया गया जैसे विवाह के बाद कोई दुल्हन आती। स्नेहा को उसके ससुराल के लोग डोली पर बिठाकर घर ले आए और नई मेहमान का भी दिल खोलकर स्वागत किया। जश्ननुमा माहौल में परिवार के लोगों ने अपनी पोती और पुत्र वधू का स्वागत किया। इस दौरान बच्ची का नामकरण भी हुआ और बच्ची का नाम प्रांजल सुमन रखा गया। बच्ची के पिता मयंक आर्यन मनरेगा में कार्यपालक सहायक हैं, जबकि बच्ची की मां स्नेहा कुमारी हाउसवाइफ है। स्नेहा की सास ममता कुमारी और ससुर सुमन मिश्रा सरकार की योजना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा बुलंद कर रही है। वो इसी संदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। स्नेहा और उसकी बच्ची का इस अनोखे अंदाज में स्वागत के पीछे घर वालों का मकसद साफ है कि समाज में भ्रूण हत्या जैसे अपराध को रोका जा सके। वो उसका अधिकार था जो आज के परिवेश में लोगों के मन से उठता जा रहा है, लेकिन एक समाज को मैसेज देने के लिए कि बहू भी बेटी है और 24 वर्षों के बाद जो पोती का आगमन हुआ है हमारे घर में, उसके लिए एक समाज को दे रहे हैं कि आप बेटी के लिए कभी भी बुरा ना सोचें, भ्रूण हत्या ना करें, बेटी बेटा सभी एक समान है। सुमन मिश्रा की पुत्रवधू स्नेहा एक बार पहले बहू बनकर डोली में इस घर में आ चुकी है और अब अपनी पुत्री के साथ घर में आने पर फिर से ऐसे स्वागत से स्नेहा बेहद खुश है। हर किसी को ऐसा ससुराल और हर बच्ची को ऐसे सोच रखने वाले परिजनों का अगर आशीर्वाद मिले तो सच में हर कोई यही कहेगा कि बार बार लाडो इस देश में ऐसे आंगन में जरूर आना। एक वो डोली थी जब मैं शादी करके आई थी और आज ये डोली है जब मैं अस्पताल से अपनी बच्ची को लेके आई। तो मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे एक बहू ने बेटी के रूप में एक्सेप्ट किया गया मेरे घर वालों ने, और मुझे ही नहीं मेरी बेटी को भी एक बहुत अच्छे सम्मान के साथ यहाँ पे लाया गया, इसलिए मैं बहुत लकी हूँ और मैं ही नहीं मेरी बेटी भी उतनी ही लकी। इस आयोजन में पहुंची जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि देवी को समाज में महिलाओं की परेशानी को लेकर कई पंचायती का हिस्सा बनने और उसे निदान करने का मौका मिला था, लेकिन किसी के घर में बेटी जन्म होने पर इस तरह का स्वागत वाकई समाज के सामने एक बड़ा संदेश है। अगर किसी के घर में बेटी के जन्म पर इस तरह से स्वागत और जश्न हो तो समाज में सच में बेटियों के लिए नजरिया बदलेगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि बेटी डोली में बैठकर आई है और साथ में पोती भी आई है डोली में बैठकर और बहू भी उसके साथ आज डोली में बैठकर आई है। और आज ये परंपरा जो रूढ़िवादी परंपरा थी पहली बार उसे टूटते देखा गया है। बहुत खुशी हो रही है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में ऐसी रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ा गया है और इतनी खुशी के साथ बेटी होने पे जश्न मनाया जा रहा है, खुशियां मनाई जा रही हैं। स्नेहा और मयंक की शादी लगभग 1.5 साल पहले हुई थी। कोरोना के दौरान दोनों परिवार ने मिलकर आदर्श व्यवहार रचाया था। बच्ची के दादा सुमन मिश्रा पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं।
परिवार के सभी सदस्यों ने मिलकर जिस तरीके से बेटी होने पर बहू और पोती का स्वागत किया, वो समाज के लिए प्रेरणा है जो बेटी को बोझ समझते हैं। न्यूज़ लाइव डेस्क, कटिहार।